नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास है शाओमी का एक लेटेस्ट डिवाइस जो कि आज ही लॉन्च हुआ है, शाओमी का रेडमी Y1। ये एक सेल्फी सीरीज़ का डिवाइस है और ये नई सीरीज़ जो पहली बार इंडिया में लॉन्च हो रही है। इस सीरीज़ का नाम इन्होंने Y1 रखा है, पता नहीं क्यों। इस फ़ोन का मेन USP रहेगा इसका फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा। सो इसके बॉक्स जो है रेड कलर में आता है जिसके ऊपर शाओमी की ब्रांडिंग है और Y1 लिखा हुआ है। बैक साइड में आते हैं तो रेडमी Y1 के इसके अंदर अलग अलग स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं जिसका कि आप देख सकते हैं। प्राइस ब्रांड ने काट रखा है, मुझे नहीं पता एक्चुअली प्राइस क्या है क्योंकि लॉन्च से पहले डिवाइस आ चुका था। सो दैट्स वाई आप जो प्राइस है वो ऑफिशियली देख सकते हैं बाद में, जब वीडियो के नीचे मैंशन कर दूंगा प्राइस को। अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। 3GB 32GB का वेरियंट है, गोल्ड कलर का वेरियंट है और ये अवेलेबल रहेगा गोल्ड के अंदर और अपना ग्रे कलर वर्जन के अंदर। उसके बाद जब मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ तो सबसे पहले हमें मिलता है इसके अंदर डिवाइस। सो डिवाइस आगे से वाइट कलर का है और बैक साइड से गोल्डन कलर का है। मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर मिलती है एक यूज़र मैनुअल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंग्लिश के अंदर यूज़र मैनुअल दी गई है और इसके साथ हमें मिल जाता है एक स्टार वैल्यू का और अलग अलग चीज़ों का वारंटी वगैरह का एक कार्ड। मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। उसके बाद हमें इसके अंदर मिलता है माइक्रो USB केबल जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बनी है, जैसे कि नॉर्मल माइक्रो USB केबल होती है शाओमी के डिवाइस के अंदर, कुछ ज़्यादा खास नहीं। उसके बाद इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद मिलता है हमें एक पावर अडैप्टर जो कि एक 5V 2A का अडैप्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5V 2A का अडैप्टर है। फास्ट चार्जिंग नहीं है, मुझे नहीं पता ये डिवाइस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है, पर जो अडैप्टर साथ में दिए गए फास्ट चार्जर नहीं है, एक नॉर्मल चार्जर है। उसके बाद इसको भी साइड में रखते हैं। डिवाइस की तरफ आते हैं तो सबसे ऊपर हमें मिल जाता है स्पेसिफिकेशन के मामले के अंदर 16MP का कैमरा, उसके साथ में गियर बीच LED नोटिफिकेशन, फ्रंट फेसिंग फ्लैश और अलग अलग सेंसर। उसके नीचे आते हैं तो मिलता है 5.5 इंची का HD डिस्प्ले जो एक नॉर्मल HD डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले नहीं है। उसके नीचे मिल जाता है हमें बैक कैपेसिटिव कीज जो कि प्रिंटेड है और लाइट अप नहीं करते हैं। लेफ्ट साइड में आते हैं तो मिलता है एक सिम ट्रे स्लॉट जिसके अंदर ट्रिपल ट्रेस हैं, जिसके अंदर हम 2 नैनो सिम लगा सकते हैं और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं 128GB तक, जो काफ़ी अच्छा फीचर है क्योंकि इन लोगों ने माइक्रो SD कार्ड डेडिकेटेड दे दिया है फाइनली अपने डिवाइस के अंदर। और इसको जब वापस इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद हमें जब राइट साइड में आते हैं तो हमें मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर बटन्स और पावर लॉक की जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं, मेटल का इसके अंदर बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ हुआ है। और नीचे की तरफ आते हैं तो मिलता है 2 स्पीकर ग्रिल जिसके अंदर जो लेफ्ट वाला है वो एक्चुअल के अंदर प्राइमरी माइक है और जो राइट वाला है वो एक्चुअल में स्पीकर है। और बीच में मिल जाता है एक माइक्रो USB पोर्ट जो कि OTG सपोर्ट करता है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है नहीं करता वो पता नहीं। उसके बाद ऊपर की तरफ आते हैं तो मिलता है हमें 3.5mm ऑडियो जैक, उसके साथ में एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक और एक आयर ब्लास्टर। अच्छी बात है कि इन्होंने आयर ब्लास्टर दिया हुआ है इस प्राइस रेंज के डिवाइस के हिसाब से। उसके बाद हमें बैक साइड में मिल जाता है एक 13MP का कैमरा, सिंगल टोन LED फ्लैश, एंटीना लाइनिंग्स और एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि हम नॉर्मली हर शाओमी के डिवाइस के अंदर देखते हैं और शाओमी की ब्रांडिंग भी दी गई है। मैं फ़ोन को बूट कर देता हूं और देखते हैं कि फ़ोन कैसा चलता है। तब तक बूट होता है मैं इसके स्पेसिफिकेशन पढ़ देता हूँ। इसके अंदर मिलता है हमें स्नैपड्रैगन का 435 प्रोसेसर, एड्रीनो 505, 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज जो कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं 128GB तक, 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी फ्लैश के साथ, 13MP का बैक कैमरा फ्लैश के साथ, आयर ब्लास्टर और 3000mAh की बैटरी। बाकी इसके अंदर माइक्रो SD का डेडिकेटेड मिल जाता है, 2 SIM हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद जब हम फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर देखते हैं, फ़ोन की डिस्प्ले काफ़ी सही है। बाकी इसमें MIUI 9 तो आएगा ही। सेटिंग पार्ट में आते हैं तो हमें इसके अंदर नॉर्मल सेटिंग मिल जाती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है जैसे कि नॉर्मल होती ही है। इसके अंदर अगर हम स्टोरेज में आते हैं तो 32GB में से अराउंड 21.64GB हमें खाली मिल जाता है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कुछ कैमरा सैंपल्स मैं इसके अंदर अटैच कर दूंगा ताकि आप देख सकें कि इसका कैमरा किस प्रकार है। बाकी इसका फुल रिव्यू और अलग अलग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू।